पूरे पैनल के साथ में हम बातचीत करेंगे। अवधेश सरकार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, एके मिश्रा जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। एके मिश्रा जी, जानते हैं पत्रकारिता के इतने लंबे करियर में अभी तक मैं एक बात नहीं समझ पाया कि रंग के मायने सियासत में क्या होते हैं। यकीन जानिए मैं आज तक नहीं समझ पाया। 1952 से लेकर के अब तक न जाने कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और पिछले कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि 2 दशक की राजनीति में कह सकता हूँ आज की तारीख में मैंने अपने बहुत करीब से देखी हुई है। 2 दशक की राजनीति में मैं समझ नहीं पाया, और तो और भगवा टाइल्स भी यहाँ पर हो जाती हैं और वो भी बाथरूम की हरदोई में, ये आपको पता ही होगा। एक बात ये बताइएगा, समझाइए मुझे, क्या जनसंघ की स्थापना से पहले या 1980 में बीजेपी की स्थापना से पहले सियासत को कोई रंग होता था या नहीं होता था? रंग बताइएगा। नहीं राशिद, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रंग और सियासत आप इन दोनों को अलग और जुदा जुदा नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत, आपने अभी ये आजादी के पहले, आजादी के टाइम तक का अगर आप इतिहास देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ हजारों लाखों साल पहले तक का आप इतिहास उठा करके देखिए। देखिए रंगों का क्या होता है, कोई ना कोई रंग किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। हमारे देश में पुरातन काल से अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा 100 में सबसे ज्यादा जो है अगर अच्छा किसी रंग को माना गया है, भगवा रंग को माना गया है। मैं देखिए पॉलिटिक्स से थोड़ा इतर होके, एक सेकंड रुकिए, जो ये कलर है मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये होना भी नहीं चाहिए, ये एक अतिवाद का द्योतक है। ठीक है, एके मिश्रा जी एक बात ये बताइए, राम मनोहर लोहिया ने एक जमाने में कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं किया करती, और जब बात भगवा की आएगी तो उत्तर प्रदेश की जो जिंदा कौम है क्या 5 साल इंतजार करेगी? राशिद देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जो पहला सवाल ये ओपनिंग क्वेश्चन आपने पूछा था, यहाँ पे देखिए राजनीति को और रंग को, रंग का मतलब है आप भारतीय राजनीति को इतिहास से आप देख लीजिए, धर्म से, जाति से, पाति से आप अलग नहीं कर पाते हैं। राजपूत साहब जी के साथ मैं सर आपको पहले सॉरी बोलूंगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है जो मुझे पसंद आई है, विकास अलग चीज है, धर्म, राजनीति, भगवाकरण अलग चीज है। इसमें क्या सही है मैं बताता हूँ। राजपूत साहब ने ये बोला, मैं उसको कांग्रेस का स्टेटमेंट मानता हूँ, कि धर्म हमारा एक निजी मैटर है। मैं बहुत सम्मान के साथ बोलता हूँ कि काश सारे पॉलिटिकल नेता और पार्टियां इस चीज को माने, लेकिन धर्म आपका निजी विषय है। कर्नाटक इलेक्शन में ये सामाजिक विषय बन गया और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि लिंगायत को हम जो है एक विशेष मान्यता देंगे अगर हम सरकार बना के आते हैं, तो वहां पे धर्म आपका क्यों चुनावी मुद्दा और जो है सामाजिक विषय बन गया? ये जो दोगलापन है आइडियोलॉजी का, फिर भी निजी विषय था। एक मिनट सर, सर मैंने आपको बीच में बोला, सर मैंने आपको बीच में बोला, प्लीज आप बड़े भी हैं राजनीति में भी सुन लीजिए सर। अरे मिश्रा जी थोड़ा जवाब भी धैर्य रख के जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना सर। मैंने आपको आधे घंटे सुना के सर, मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना ना सर, आप सुनिए, ये सरकारी विषय था। नहीं नहीं मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है 10 मिनट सुन लीजिए सर। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। टीवी, हाँ टीवी की अपनी सीमा होती है, लोग हैं, हम जनता है, आप भी दृष्टि रखिए। तो मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में आप राजनीति से अगर धर्म जाति पात निकाल दीजिए, उत्तर प्रदेश की विकास के मामले में दुर्दशा यही सबसे ज्यादा रही। देखिए भगवा एक बहुत आदरणीय रंग है, उसके लिए मैं बाद में बोलूंगा उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन मायावती जी की जब सरकार आती है बसपा की, तो 5 साल केवल नीला नीला करने में चला जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की आती है तो गांव के प्राइमरी स्कूल भी लाल रंग से रंग जाते हैं, टोपियां भी लाल हो जाती हैं, हर चीज हो जाती है। जरा उन लोगों से भी पूछिए ना कि यूपी क्यों पीछे रह गया, उनका एक रंग हरा भी है वैसे। नहीं, लाल और हरा, ये दोनों लाल और हरा अपने अपने रंग में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, देश की दुर्दशा ये है कि चुनाव जीतने के लिए ही पॉलिटिक्स कर रही हैं, और सबसे पहला मुद्दा है उनका चुनाव जीतना। चुनाव जीत के जब सत्ता में रहेंगे तभी उनका अस्तित्व रहेगा। इसके लिए वो हर रंग का, हर चीज का वो प्रयोग करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जाति पात के आधार पे हो, चाहे कुछ भी हो। अब रही बात भगवा रंग की, जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए भगवा रंग को आप हिंदुस्तान के इतिहास से और मतलब मन से आप अलग नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि जब प्रथम जो है आजादी की क्रांति हुई थी तो कमल का फूल था, उसका भी रंग कहीं ना कहीं भगवा। हमारा जब झंडा बना था तो आप जाके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और बाबा साहब अम्बेडकर से पूछिए ना कि झंडे में पहला रंग भगवा क्यों है। ठीक है, मैं नॉक करूं। हाँ, तो लाल रंग कर दिया जाता है, तो ऐसा कहीं नहीं रहा। पहली बात तो ये कि ये मजहबी कलर नहीं है, इसको उस चश्मे से ना देखें।
ये पार्टी का अपना कलर है। नहीं तो भगवा को मजहब से क्यों देखते हैं सर? अगर अगर आपकी टोपी जो है मजहब के साथ ना देखे जाए तो फिर भगवा को क्यों धर्म के साथ में देखना? तकलीफ की बात इसलिए है कि जब भगवा चोला पहन के लोग देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मजलूम मासूम और बेकसूर लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन आप जब वो भगवा चोला पहन के हमारी जो बच्चियां उनको एक आजादी है। नहीं तो झंडा बना था ना, वो झंडा थोड़ा था कि उसी कलर से पूरा देश को रंग दीजिए, ऐसा थोड़ा था। नहीं नहीं सवाल ये है, झंडे में पहली प्राथमिकता भगवा को क्यों दी गई सबसे ऊपर, ये पूछा जाए ना संविधान निर्माताओं से और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से, जिन लोगों ने आज तक विरोध नहीं किया वो देख करके हैरान हो गए कि उनके उनकी पीढ़ियां आज के नेता भगवान का विरोध कर रहे हैं। देखिएगा आप ले लीजिए ना, किसान विकास केंद्र किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसान विकास स्कूल खोलिया आप ले लीजिए। मैं ये बोलना अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है आप सब लोग बोल चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए सुनील जी, वो दूसरी चीज है, ठीक है एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ठीक है रुकिए, ठीक है रुकिए मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए सरकार के अंदर मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए। ये है भगवा और भगवा को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, देश में शांति व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति हैं। भगवान बुद्ध तो खुद भगवा पहनते थे, किसने कहा भगवा पहनने के लिए? भगवान बुद्ध तो खुद भगवा पहनते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पेटेंट आपने करा लिया है क्या करने रहा कि कोई उनको और नहीं मानेगा? मैं बोलता हूँ, मैं भी मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, लाल रंग का मुंडा से भगवान सबका अधिकार है। आप ये बोल रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बस नीले रंग से होगी जी, क्योंकि नीला रंग आपकी पार्टी का प्रतीक है जो 30 साल पहले आई है, तो आप मुझे बताइए ना, हैव यू मेड ए पेटेंट आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर रहा है, इनको विवश करना चाहिए, सब जगह मूर्तियां बनने लगी, जगह जगह हाथियों की मूर्ति और अरबों रुपया उसमें खर्च हो गया, वो गलती नजर नहीं आती है, हर घर में टेंडर कराने वाली धर्म का एक बड़ा भाग आज भगवान का मुझे नहीं हटा सकता, अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, संस्कृति में रहेंगे कोई भगवा करण हमें नहीं चेंज कर सकता, एक बात हो जाएगा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ अवधेश जी के जरिए, हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ पर्सनालिटीज और कुछ रंग पेटेंट क्यों हैं, मसलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बीएसपी के पेटेंट और नीला रंग उनका पेटेंट, ठीक है एक मिनट सुनते जाइए, एक मिनट सुनते जाइए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, भराला जी का पेटेंट जो है वो भगवा रंग है, राम मनोहर लोहिया और जेपी और लाल रंग जो है वो मुजफ्फर खान का पेटेंट है, महात्मा गांधी जो है वो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पेटेंट है, ये पेटेंट जो है ये जुड़ा कैसे है राशिद? देखिए मैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा था रंग राजनीति का क्या रंग है, रंग के कितने इंटरेस्टिंग आंसर और प्रिडिक्शंस और एनालिसिस आ रही है अभी आप ये देख रहे हैं और आपको हम लोगों को आंसर मिल रहा है कि राजनीति और रंग का क्या रिलेशन है। सवाल यह है, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी पेटेंट नहीं कराया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि केवल एक अमुक तबका मुझे माने, सेम चीज यही है, देखिए भगवा भी भगवा ने या भगवा को जिन लोगों ने बनाया, आप ये देखिए रामचंद्र जी हो गए या कोई और, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जी केवल एक लोग भगवा को माने और कोई लोग भगवा को टच नहीं कर सकते, पान नहीं कर सकते, ये है रंगों का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण। मैंने आपको अभी एक लेटेस्ट उदाहरण दिया था
कि धर्म एक निजी विषय हो सकता है टीवी पे बोलने के लिए। कर्नाटक के इलेक्शन में लिंगायत समाज को तुरंत बोल दिया गया कि अगर हम जीते तो हम आपको स्पेसिफिक दर्जा एक ये दे देंगे। वहां पे धर्म चुनावों में धर्म एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है जिसको ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है। ये उनका एक पॉलिटिकल मिशन बन जाता है क्योंकि अल्टीमेट गोल इनका ये है विकास हो या ना हो, लेकिन जो जिस रंग को जो जिस रंग में अपने पार्टी को रंग सकता है टाइम टू टाइम वो रंगता रहता है। और दूसरी सबसे खास चीज है, अब देखिए भगवान श्री राम हो गए, हो सकता है शायद उनका पेटेंट केवल बीजेपी वालों ने करा लिया, बाबा साहब अंबेडकर वालों ने, ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका पेटेंट केवल जो है बसपा वालों ने करवा लिया और कोई उनको मान नहीं सकता है। ये इस तरीके से पेटेंट की मानसिकता यहाँ पे चल रही है। विकास का पेटेंट या किसी और चीज का पेटेंट आप देखेंगे तो किसी और पार्टी ने करवा लिया। तो ये जो कोरिलेशन, अच्छे चीज के लिए कोरिलेशन डेवलप करिए तो माना जाए, लेकिन जब आप कोरिलेशन कलर को और इन सब चीजों को डेवलप करते हैं और उसको एक सेपरेटिव लेवल तक ले जाते हैं और उसमें हिंसा आ जाती है कि जरा सा किसी ने कुछ उसके ऊपर बोल दिया तो मार पिटाई शुरू हो जाती है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और ये इनके प्रकारण वाली बाई हुक और बाई क्रुक जो राजनीति आजकल चली है कि कैसे भी करके हमें सरकार बनानी है उसके लिए इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं ये लोग। तो राजनीति का चरित्र ही दूसरा होता है। एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा नीला कोट पहनते थे? राम मनोहर लोहिया जी क्या हमेशा लाल रंग का ही कपड़ा पहनते थे? ऐसी कोई चीज थी क्या? भगवा का तो मैं फिर भी मान सकता हूँ कि हजारों साल से इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट उस टाइम के ऋषि मुनि रहे हैं सब लोग भगवा पहनते थे, लेकिन इतना जबरदस्त आप ये सब चीजें जो यूज करते हैं केवल वोट पाने के लिए और ध्यान जो है अच्छा, मुद्दों से भटकाने के लिए, इसके पीछे राजन क्या है? एक मिनट रुक जाइए, हमने कहा भगवा का विरोध किया? भगवा हमारा धार्मिक रंग है और उस धार्मिक रंग को लेकर के हमारी आस्था को लेकर के आप क्यों चोट करना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट भगवा का कराया है? हमने तो अरे अभी टाई लगा, अभी बाबा साहब की बात जो आप कर रहे थे तो नीले रंग की शर्ट पहन करके और नीले रंग की टाई पहन करके आप बात कर रहे हो तो क्या आप बाबा साहब हो गए हो? यही दर्शाता है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो रंगों को लेकर के। आपने जो अरे भाई दो मिनट चुप रहिए, बोलिए बोलिए, मैंने कहा ना मिस्टर मिश्रा दो मिनट चुप रहिए, मैं किसी के बीच में अगर नहीं बोल रहा हूँ तो आपके बीच में नहीं बोला हूँ, धैर्य से सुनी है ना मैंने आपकी बात। सच्चाई है तिरंगे को लेकर के किस तरीके की राजनीति मिस्टर मिश्रा कर रहे हैं ये शर्मनाक राजनीति है। तिरंगे में भगवे से सफेद से या हरे से क्या मतलब है? भारत की आन बान शान को लेकर के आप अगर इस तरीके के प्रश्न उठाएंगे मिश्रा जी तो सोचिएगा इससे पहले कि हो सकता है आपको कोई सरकारी पोस्ट मिल जाए, लेकिन इस पोस्ट से आपको लाभ नहीं होगी, आपकी अंतरात्मा कचोटेगी। टाई कोट पहन करके किसानों की बात नहीं की जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, सुनिए आप सुनने आप सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। अरे भगवा का विरोध क्या आपसे ज्यादा? भगवा मेरा निजी विषय, धर्म है मेरा। मैं आपको बताता हूँ राजपूत साहब, जावेद अख्तर की आपने कविता सुनी है? नहीं सर, प्लीज कविता मत सुनाइए सर, प्लीज शेरो शायरी कविता मत सुनाइए। मैं शेरो शायरी नहीं सुन रहा हूँ, मुझे पता है कि आप शेरो शायरी में बड़े पार्टी ने डिक्लेयर किया है तो क्यों ना बोलूं सर? आपको बुरा क्यों लगता है इसमें? मैं वही तो कह रहा हूं।
आप भगवा का सहारा ले रहे हो? लिंगायत भी तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवा मानते हैं, सर पे उनके भगवान जो है सेफ्रॉन जो है पगड़ी होती है। भगवा का सहारा आप जैसे कमजोर लोग लेते हैं। सर भगवा कभी कमजोर नहीं हुआ है, जो कमजोर है अगर वो भगवा अपने माथे पे पहन लेते हैं तो वो वीर बन जाते हैं। आप भगवा को कमजोर मत जोड़िए सर, शायद आप कमजोर इसीलिए हो क्योंकि आपकी पार्टी ने ये स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया है, हिंदू सेफ्रॉन टेररिज्म टर्म कॉइन करके राम जो सुप्रीम के साथ आपके सुनील भराला कुछ बोलना चाहते हैं। राशिद भाई जी, राशिद जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं राशिद जी की बात पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो ये उन्होंने जो 4 साल की सरकार का उल्लेख किया है, मैं वो बात कहना चाहता हूँ। 6 करोड़ परिवारों को क्या हुआ? 2 लाख कनेक्शन दिया हमने। अवधेश कुमार जी, सुनील भराला, मुजफ्फर खान, जयराम जाटव जी, एके मिश्रा और सुरेश राजपूत, आप सभी का प्राइम टाइम में एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया।